हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रेजी लाइफ पर। तो मैं सौरभ कुमार आ गया हूँ इस बार फिर से धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो लूट नहीं है ये, बल्कि ट्रिक है और बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आप लोगों का पेटीएम में बहुत सारे बैलेंस अटक जाते हैं, जो कि आप लोग बैंक में ट्रांसफ़र करने में काफ़ी सारे चार्ज देते हो। तो मैं आज एक थोड़ा ट्रिक लेके आया हूँ, जिसके कारण आपको कोई चार्ज वगैरह कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा और आपका सारा बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में। तो चलिए उस ट्रिक को मैं आपको सामने दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। तो मैं बता दूं कि आप लोगों के पास यदि मर्चेंट पेमेंट का है तो आप लोग उसका सेटिंग में जाना, क्योंकि ये मर्चेंट पर ही वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप लोग छोटी सी सेटिंग करना ये कि आपका जो पेटीएम वॉलेट है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ पेटीएम वॉलेट, तो इस नंबर से मेरा ये सेकेंड नंबर है, इस पर कोई भी मेरा मर्चेंट नहीं है इस नंबर से। तो ये ट्रिक दिखा रहा हूँ मैं कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं पासबुक वाले सेक्शन पे जाके आप लोगों को अमाउंट दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसे देख सकते हो, मेरा इस वॉलेट पे 30 रुपीस है, जो कि मैं आपको अपने बैंक में ट्रांसफ़र करूँगा बिना कोई चार्जेस के। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको क्या करूँगा, पहले मर्चेंट जिस अकाउंट से है उस पेटीएम अकाउंट में, आप लोग ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस अकाउंट से मर्चेंट है, अकाउंट पे मर्चेंट है, ठीक है, जैसे कि आपका एक ही नंबर से मर्चेंट भी है और पेटीएम अकाउंट भी है, तो आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र कर देनी है अपने पेटीएम दूसरे जिस पे मर्चेंट है उस अकाउंट के पेटीएम वॉलेट पर, ठीक है, ना कि मर्चेंट पर। तो आपको उसको भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, मर्चेंट में खोल कर एक्सेप्ट वाले सेक्शन पर जाकर यहाँ पर आपको बैंक चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चेंज करके यहाँ पर चेंज करके आपको पेटीएम वॉलेट पर क्लिक कर देना पड़ेगा एंड सेव करना पड़ेगा। ये सेव होने के बाद अपना पेटीएम वॉलेट पर जाकर आप ट्रांजैक्शन करोगे, सीधा आपके पेटीएम वॉलेट पर जाएगा, ना कि मर्चेंट के बैंक पर। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे मैं 30 रुपीज़ पे कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे देख सकते हो मर्चेंट नहीं शो कर रहा है, बल्कि मेरा पेटीएम वॉलेट का शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं 30 रुपीज़ लिख कर पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं पे किया, ये सक्सेसफुली हो गया, आप लोग देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे करने क्या है, अब मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से बैग जाने के बाद अब मैं इस अकाउंट को यहाँ से लॉग आउट कर दे रहा हूँ और मैं दूसरे अकाउंट जिसमें मैंने पेमेंट भेजा उस अकाउंट को यहाँ पे लॉग इन करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपने दूसरे अकाउंट को लॉग इन करता हूँ। तो फाइनली मैंने लॉग इन कर लिया एंड पासबुक वाली सेक्शन का दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 30 रुपीज़ मुझे मिल चुका है अभी के अभी, देख सकते हो आप लोग, 8:15 और 8:16 यहाँ टाइम हो रही है। तो अब यहाँ से मुझे करनी क्या है, अब ये देखना, अब आप चले जाओ अपने मर्चेंट अकाउंट पर एंड यहाँ पर फिर अपना चेंज कर लेना, ठीक है, फिर यहाँ पे पेमेंट सेटिंग में जाकर चेंज कर लेना अपना मर्चेंट अकाउंट को कर लेना, ठीक है। वो करने के बाद सेव कर दोगे। अब यहाँ पर आपको दूसरा जो ऑप्शन आती है एक्सेप्ट पेमेंट की, इस पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। एक्सेप्ट पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको इस साइड में एक रिसीव मनी का, रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपके पास पेटीएम में जितने भी बैलेंस हैं आपको उतनी लिख देनी है और कुछ 1-2 रुपीज़ ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। तो मेरे पास 30 रुपीज़ है तो मैं 35 लिख रहा हूँ एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हो, मैं हैप्पी लिख दिया एंड क्रेडिट लिंक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देख सकते हो आप लोग, मैंने काफ़ी बार किया था ये क्रेडिट होने के बाद, एंड यहाँ पर शेयर लिंक कर सकते हो या तो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया एंड आपको अब क्या करनी है, मैं वो भी ट्रिक आगे बता रहा हूँ आपको। क्रोम ब्राउज़र ओपन करनी है, क्रोम में जाने के बाद 3 डॉट पर न्यू इंट्रोगेटिव टैब को ऑन करना है, ठीक है, और यहाँ पर paytm.com खोल लेनी है। paytm.com खोलने के बाद आपको यहाँ पर लॉग इन करनी है सिंपली अपना आईडी से। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, 3 डॉट पर जाने के बाद यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, यहाँ पे OTP मैं डाल रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने प्रोसेस कर दिया, आप लोग देख सकते हो लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुल्ली। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, वो जो लिंक थी यहाँ पे आपको कॉपी करनी है, आपको उसी अकाउंट को लॉगिन करना है जिसमें आपने बैलेंस डाला था, ठीक है, पेटीएम वॉलेट में। तो यहाँ पे उसे मैं लिंक को पेस्ट किया,
पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपको ये सब इग्नोर करनी है। कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से अपना नंबर डाल देंगे जिस नंबर से पेटीएम लॉगिन है। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल के प्रोसीड कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे ओटीपी फिर से आएगी तो ओटीपी डाल देनी है आपको। तो फ्रेंड मैंने ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर लिया एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है 35 रुपये आपके पेटीएम वॉलेट से कटे, 30 रुपये आपके पेटीएम वॉलेट से कटेगा एंड 5 रुपये आप कोई भी कार्ड से पे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने कार्ड वगैरह से पे कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं अपना पेमेंट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ आगे प्रोसेस हो रही है या नहीं। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे डाल दिया कार्ड नंबर एंड यहाँ पे सिंपली ओटीपी आएगा और मैं इस ओटीपी को यहाँ पे टैप करूँगा। तो फ्रेंड मैंने ओटीपी डालकर सबमिट कर दिया एंड यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना है, आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करनी है। एंड यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली है जनता स्टोर में पेमेंट चला गया है एंड यहाँ पे 35 रुपये मेरा निकल भी चुके हैं, आप लोग सब मैसेज वगैरह देख सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ आपको पेटीएम वॉलेट पर और दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे 30 रुपीज़ एंड यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से पेमेंट निकल चुका है और ये जनता स्टोर में जाकर पेड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को मर्चेंट में भी जाके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट में जाके मैं दिखा दे रहा हूँ 35 रुपीज़ आज के डेट में मुझे मिला एंड मैं इसको और डिटेल में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं 35 रुपीज़ 8:19 पर और 8:22 हो रही है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे सक्सेसफुली ये ट्रिक वर्क कर रही है और यहाँ से इंस्टेंटली बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया एंड प्रोसेड टू कर दिया, यहाँ पे 50 रुपीज़ होने के बाद भी होता है तो कोई बात नहीं, ये कल तक चला जाएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग वीडियो, बाय, टेक केयर, सी यू।